बता दो, ये मसानखुन पंचायत का भदौल गांव में हम लोग समस्या को लेकर के आए। समस्या तो अनेकों होता है गांव में, लेकिन इस गांव में कुछ खास ही समस्या है, और समस्या रोड का है, जो कि अभी तक इनको जो है, जैसे पीछे वीडियो में हम बताए हैं, एक बार रामचंद्र जी भी आए थे यहाँ आकर के, जो मदद किए थे, जो पानी में डूबा था। अब हम आए हैं उप मुखिया जी के पास, और ये पंचवर्षीय ने 20 साल से उप मुखिया के पोस्ट पे हैं, और इनसे हम यही समस्या के बारे में पूछना चाहते हैं, जो आपके पंचायत में अभी तक रोड क्यों नहीं बना, जब आपका निवास स्थान यही है, आपको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप चाहते तो इस 20 साल के अंदर में हजारों ऐसा रोड बना सकते थे, लेकिन आखिर क्यों नहीं बना? समस्या क्या था आपके साथ, ऐसा क्या आया समस्या और दिक्कत जो आपने इस रोड का मुद्दा को नहीं उठाए या नहीं बनाए? चाहते तो आप अपने फंड से भी बना सकते। बच्चा मुद्दा था बनाने तो सकते थे, लेकिन इससे पहले हम लोगों का गांव का रोड जो था ना, कब्रिस्तान होके था, कब्रिस्तान होके रास्ता हम लोग को नहीं दिया गया। जब उसको भूअर्जन हुआ, भूअर्जन के बाद रोड मिला, तब हम लोग जब मनरेगा से उस पर काम करवाए, मिट्टी खरंजा हुआ, जहाँ तक मिट्टी खरंजा हुआ है वहां तक भूअर्जन हुआ है, उसी पर मिट्टी खरंजा इस बार हुआ। उससे पहले जहाँ तक बना हुआ था रोड था, वहां पर मिट्टी खरंजा था, मिट्टी डलवाए उस पे जो कि पानी में डूब गया। मनरेगा के तहत वहां पर तो जमीन ही था, उसे 5 फीट मिट्टी खरंज गया। 5 फीट मिट्टी से आपको लगा जो आपके रोड का समस्या दूर हो जाएगा? मनरेगा में जो 5 फीट मिट्टी का एस्टीमेट था, 5 फीट मिट्टी बना सर। और आपके फंड में, मुखिया के फंड से भी तो आप चाहते तो रोड उसके ऊपर, मनरेगा का जो काम चला उसके ऊपर आप अपने मुखिया के फंड से भी मिट्टी डलवा के उसको जो है और आगे ऊंचा कर सकते थे या बढ़ा सकते थे। मुखिया फंड में उतना कैसे नहीं आता है, जो एक ही योजना में मुखिया भी करे और मनरेगा भी नहीं हो सकता है। सर ठीक है, एक में नहीं हुआ, उसके बाद ये योजना आपको 16-17 में पास ही हुआ है, 16-17 में हुआ है, जिसमें मनरेगा से काम हुआ है, उसी पे हमें भूअर्जन भी हुआ। 16-17 के बाद 5 साल का गैपिंग रहता है, तभी तो 5 साल तक पूर्व नहीं किया, दोबारा कैसे होता? तो सर आप तो 20 साल से मुखिया उप मुखिया के पोस्ट पे है ना, तो 20 साल से क्यों नहीं इस चीज को आप देखे जो आप 16-17 में देखे? 20 साल से हमारे गाँव का रास्ता नहीं था, भूअर्जन हुआ है आपको 16-17 में। उससे पहले आप ये समस्या लेकर के और आगे भी पदाधिकारी था उनसे तो बात कर सकते थे, जो सर हमारे गांव का ये समस्या है। हाँ, सब समस्या पर बात हुई, लेकिन भूअर्जन 16-17 में जा हुआ, उसके बाद वो रोड पास हुआ, रोड पास होने के बाद मनरेगा से वर्क हुआ। अभी आपसे कुछ पब्लिक जो बात कर रहे थे तो आपने बोले जो रोड पास हो चुकी है, तो क्या ये कौन सा इससे रोड पास हुआ है? मुख्यमंत्री जान सर योजना। तो क्या उम्मीद रखे यहाँ का जनता जो है? देखिए आपको जनता लाइव देख रहा है, दूसरी बात है आप जो है चैनल पे आएंगे तो पूरा जो है समाज देश की देखेगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। तो आप सही बताइएगा, क्योंकि आप एक उप मुखिया है और आपका कमेंट कुछ अहमियत रखता है, तो झूठ नहीं बोलिएगा, जो सही होगा वही बताइएगा सर। अभी क्या उम्मीद है रोड का? इसका उम्मीद इस बार होने का है, इस बार डीएम साहब आए थे, डीएम साहब जो है इंजीनियर साहब को बुलाए जिला से, इंजीनियर साहब कहे जो इस बार इस रोड को मार्च तक हमको पूरा करना है, इसका टेंडर हो चुका है। आप कौन लिया इतना ही कहेंगे, लेकिन टेंडर जो लिया हुआ है इसका मोटरेबल कर रहा है। तो सर मोटरेबल तो पानी पूरा है, तो मोटरेबल अभी कैसे हो रहा है पानी में? थोड़ा हुआ है पानी, आगे इसलिए रुक गया, पानी आगे इसके लिए रुक गया। आपका सर अपना शुभ नाम बता दो। कैलाश राय। जैसे कि देखिए उप मुखिया कैलाश राय जी जो बोल रहे हैं, इनका कहना है जो 16-17 में जो है इस रोड का सेशन हुआ, इससे पहले इस गांव के लिए कोई रोड नहीं था। जब रोड का जमीन मिला तो उसके बाद इन्होंने जो है मनरेगा के तहत कुछ काम करवाए हैं, और ये आश्वासन और भरोसा दे रहे हैं जो इस बार प्रधानमंत्री सड़क योजना से इस गांव का रोड बन जाए। तो खैर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में पानी आने के बाद जो बनता है या नहीं।